नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और जैसा मैंने वादा किया था, आज मैं लेकर के आया हूँ चंडीगढ़ जोन का आरआरबी जेई का पेपर, जो कि 14 दिसंबर 2014 को हुआ था। ये हमारे सीरीज का पांचवा वीडियो है, पांचवा पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बताते चलें कि ये एक्चुअल पेपर है आरआरबी जेई का, जो रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। एक्चुअली ये पेपर जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ से हौज खास से मुझे मिला था, मेडीजी के बगल में एक शॉप है वहाँ से। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद कर रहे होंगे और हमें इनक्रेज करिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो लेकर के आपके पास आते रहें। मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ नीचे। आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ को देखिए, समझिए, जानिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप अपने दोस्तों के भी बताइए। और फिर भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको डाउट दे रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। हम सब मिल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरा मकसद बिल्कुल यही है कि ताकि ये जो पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन आता है, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चल जाएगा। ये हर कोई जान सके जो भी रेलवे में जेई और एसएससी की एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग इसे पसंद कर रहे होंगे। हमें इनक्रेज करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों बताते चले कि इसमें मैथ, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर के साथ साथ आपका टेक्निकल पेपर भी आता है, लेकिन ये टेक्निकल पेपर थोड़ा हट के रहता है। टेक्निकल पेपर में आपको, अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल हैं, तो इलेक्ट्रिकल का पेपर तो आएगा ही, साथ में एक क्यूमुलेटिव पेपर आता है जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे डिपार्टमेंट के पेपर बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको आने चाहिए। बाकी जीएस, मैथ, रीजनिंग ये पेपर उतने हार्ड रहते नहीं हैं। एक्चुअली आपको मेन जो फोकस करना है वो आपको टेक्निकल पेपर पे फोकस करना है, इसीलिए मैं ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में कैसा पेपर आता है। ये पांचवा सीरीज है, इसके पहले मैंने चार पेपर और पहले अपलोड कर चुका है, आप उनको भी देखिए। और आने वाले और भी समय में मैं पेपर अपलोड करूंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आप चाहेंगे तो हमें इनक्रेज करिए, ज़रूर हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियोस जो क्वेश्चन है वो मैं पूरा फुल्ली अनसॉल्व लोड कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको मैं सॉल्व करके भी अपलोड कर सकता हूँ। तो जैसा हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपको, खासकर टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का तो उतना ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, लेकिन टेक्निकल का जो भी पेपर होगा वो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत आंसर बताऊं, उसके लिए आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ तो मैं भी पेपर बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वो सेल्फ सॉल्व करके अपलोड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का पेपर यहीं पे सॉल्व होता है, 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार, जी हाँ, अगली बार मैं जो पेपर लेकर के आऊँगा वो पेपर कौन सा होगा, वो पेपर होगा ये, जी हाँ, आरआरबी जेई 14 दिसंबर 2014 को हुआ था अजमेर जोन का, जी हाँ। और ये हमारी वीडियो का वीडियो सीरीज होगा 6। तब तक अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।